नाखून काट रही हूँ। अच्छा खासा हवा चल रही है। अभी जून के महीने आने वाला है, अच्छा है 29। देखिए बड़ा हुआ है पिटूनिया। यहाँ पे ना पूरे सुबह 9 बजे से पूरे जब तक सनसेट नहीं होता तब तक यहाँ पे धूप रहता है, और इसीलिए पौधे ना ख़राब हो गए, क्योंकि पीछे वाले बालकनी में जगह भी नहीं है रखने का। वहाँ पे रखते तो इसमें और दिन चल जाता, थोड़ा और दिन जून तक। ये देख सकते हैं, इसमें भी देखिए कितने सारे फ्लावर्स हैं, और ये अभी तक नहीं जा रहा है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाखून उखून काट लिया, राक्षस जैसा हुआ था नाखून, तो सब काट उट लिया। अभी सबका तो ब्रेकफास्ट हो गया। मेरे हस्बैंड गए हैं आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने, जाना नहीं चाह रहे थे, ज़बरदस्ती भेजा हमने तीनों मिलके, फिर गए। और मैं जाऊँ अभी लंच के तैयारी करने के लिए, उसके पहले सारे घर का काम हो गया, यहाँ पे पोछा ओछा लगाना, वो तो डेली का काम होता है, कौन सा हाउस वाइफ का आपका लॉकडाउन होता है। ना उसको छोड़ दो, कभी सुना है हाउस वाइफ का लॉकडाउन होता है? नहीं होता हाउस वाइफ, 24/7 काम करना ही है। आपसे बात करते करते पीछे वाले बालकनी में आ गए, ये देखो कबूतर इधर गया, चला गया। देख सकते हैं इतने सारे फ्लावर्स, तो ये वाइट वाला ना दूर से दिखाई नहीं देता, पास से आके बहुत सारे हैं वाइट, तो ये सारे ना ये इतने पौधे में छुप जाता है, दिखाई नहीं देता यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये रेड वाला तो दिखाई देता ही है। तो ये सारे हैं, ये गार्डनिंग कर रही हूँ आज से नहीं, स्कूल लाइफ से, मतलब कितने साल हो गया मेरा, तो 35 साल तो हो ही गया, 35 ईयर्स। तो इसीलिए मैं मुझे जैसे मैं करती थी, मैं करती हूँ सिंपल, ज़्यादा मैं अभी कर भी नहीं पाती। पहले तो उस टाइम तो यंग एज में तो सब मेहनत कर लेते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ आप उतना मेहनत कर नहीं सकते। तो मैं जिस हिसाब से मैं इस प्लांट को मेंटेन करती हूँ, और गर्मी गर्मी में स्पेशली, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और अभी एक रिव्यू देने वाला है, किसी ने पूछा था फ्रिज बास्केट एंड तावा, तावा का तो अभी नहीं हुआ, बट फ्रिज बास्केट जो है उसका रिव्यू मैं अभी आपको देने वाली हूँ। दरवाजे खोल दो बेटा, अभी अभी नहीं, अभी बाहर ठंडा हवा दे रहा है, अभी बंद मत करो, थोड़ी देर बाद जब धूप आएगा ना तभी इधर वाला दरवाजे बंद करेंगे, अभी थोड़ा सा घर में हवा न दे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको वो फ्रिज बास्केट जो मैं लाई थी। तो ये है वो फ्रिज बास्केट, आप देख सकते हैं इसमें मैंने भिंडी रखी थी, कब रखा था, मंडे, मंडे भिंडी रखे थे, और आज सैटरडे। तो ये देखिए पानी का कुछ कण आपको नज़र आएगा ऊपर, इसके नीचे भी है, लेकिन मेरा भिंडी आप देख सकते हैं यूज़ कर लिया, ये थोड़ा सा ही है जितना भी है, और भिंडी ना काफ़ी फ्रेश है इसमें। तो मैं, मेरे हस्बैंड बता रहे थे कुछ और मंगा लो 4-5, लेकिन 4-5 तो नहीं मंगाएंगे, 2 अभी मंगा लेंगे, और 2 से 3। ये देखिए
काफ़ी फ्रेश है। इसमें पूरा बड़ा हुआ है था, तो अभी मैंने यूज़ कर लिया, तो इसका तो आपको दिखा दिया। और एक का दूसरे बास्केट में मैं रखा था, क्या रखा था, धनिया। तो धनिया जो रखा था तो वो यूज़ कर लिया था पहले, पहले जो धनिया रखा थे तो उसको मैंने यूज़ कर लिया था, तो वो ख़त्म हो गया था वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को मैंने फ्रेश धनिया लाके दूसरे में भी रखे हूँ, उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो वेडनेसडे से आज सैटरडे है, तो ये है, ये देखिए, ये है धनिया, ये 4 दिन हुआ है, अच्छा खासा फ्रेश है, दिखाई दे रहा है आपको, यह है धनिया। तो ये तो अभी तो मतलब मंडे टू सैटरडे मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताया, और 7-8 दिन रहेगा तो कितना होगा, कितना फ्रेश रहेगा वो मुझे पता नहीं है अभी तक। और इनको मेरे हस्बैंड को अभी आरटीपीसीआर टेस्ट करने के लिए भेजा हूँ, तो उसके बाद मैंने ये पूरे घर का क्लीन कर दिया, तो इस रूम में है, क्लीन उलिंग कर दिया, अभी वो आएंगे फिर दरवाज़ा बंद हो जाएगा क्योंकि वो क्वारंटीन में है, कल से फीवर है। आज तो 29th है, परसों हमारे सोसाइटी में भी आरटीपीसीआर टेस्ट था, तो मैंने उनको बताया था अब ऑफिस जा रहे हो तो करवा लो, यहाँ पे होड़ है, सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था, 10 या 11 बजे से सोसाइटी में, तो बोला नहीं इतने बार किया, एक्चुअली ये साल भर में 5 से 6 बार किया है आरटीपीसीआर टेस्ट, इसलिए करना नहीं चाहते। तो अभी ऑफिस जा रहा है, इतना बढ़ भी गया था ना मामला, तो मैंने बताया कि एक बार करने से क्या होगा, यहाँ पे जाके नाम लिखवाना है, करना है, फ्लैट नंबर देना है, यही करना है, तो और कुछ नहीं करना, और 24 आवर्स में रिज़ल्ट आ जाता है यहाँ पे, तो नहीं करेगा फिर। 27 अभी गया है, 40 में भेजा हूँ, 40 में गया है, वहाँ पे जाके टेस्ट कराएंगे, तो 24 आवर्स में उसका रिपोर्ट आएगा, कल पता चलेगा क्या है। तो अभी तो यही चल रहा है, तो निकलने के बाद मैंने पूरा घर साफ़ कर दिया और पूरा खिड़की दरवाज़ा खोल के वेंटिलेशन, क्योंकि घर अगर बंद रहता है ना, वो एक आदमी उसके अंदर रहता है चारों तरफ, उसमें ना एक गैस जैसा हो जाता है, ऐसे स्मेल आता है, तो सब खिड़की दरवाज़ा खोल दिया और साफ़ सफाई पूरे घर का कर दिया, और जो भी थाली उली था वो उठा के अभी किचन में रख दिया, बेसिन के नीचे ही रखा है उनका अलग से, जब मैं डिश वॉशर में लगाऊंगी तो सारे धुल जाएगा, और हॉट वाटर में धोता है तो काफ़ी हाइजीनिक भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो बने रहिए मेरे साथ, और अभी मैं जाऊंगी खाना बनाने के लिए, और फ्रेंड्स आप सब कैसे हो बताना ज़रूर, आई होप आप स्वस्थ होंगे। और आज ऐसे खास कुछ नहीं बना रही हूँ, हवा अच्छा खासा चल रहा है यहाँ से भी, किचन का जो खिड़की है ना वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा हवा आ रहा है, तो दाल बन गया। अब ये यहाँ पे है करेला, झींगी तोड़ी होता है ना वो बनाएंगे, आज सैटरडे है तो पूरे ही वेजिटेरियन आज खाना है, वेज खाना है, परवल बनाएंगे और पापड़ भी फ्राई करेंगे खाने के टाइम, और साथ में आम की चटनी और आमेर झोल वो भी है, और ये जो झींगा तोड़ी है, झींगा तोड़ी और आलू का मैं बनाऊंगी पोस्तो, झींगे पोस्तो, तो पोस्तो मतलब पॉपी सीड, खसखस से बनता है ये सब्जी, तो वो मैं बनाऊंगी,
और करेला और परवल फ्राई होगा और दाल है और पापड़ फ्राई कर देंगे। बस यही है आज का लंच। बने रहिए और देखते रहिए फ्रेंड्स। अब कमेंट में बताना मेरा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है। अभी 7:45 बज रहे हैं इवनिंग पे, तो यहाँ पे पूरे स्ट्रीट लाइट भी ऑन हो गया और मैं यहाँ भी रिया ने कपड़े उठा के लेके गया, सूख गया था। और अभी मैं अभी आके देखा क्योंकि मुझे आज काम करने में बहुत लेट हो गया था, तो अभी आके मैंने देखा आज आदित्य को पूजा करने बोला था कि वो आज का पूजा वो कर दे, मेरे पास टाइम बहुत लेट हो गया था। तो फूल देखो जैसे पौधे में फ्लावर्स भरे हुए थे, फूल लिया ही नहीं उसने, सारे फूल भरे हुए हैं। उसको पूजा करते बोलो ना यही है, फूल वूल देती देता नहीं हो, थोड़ा बहुत दे देता है बस सारे। और यहाँ पे जैसे ही बाहर आया ना वहाँ पे अभी अभी जो ये शाम के टाइम में मोगरा खिलता है, तो इतना ज़्यादा खुशबू आ रहा है ना, दिखा रही हूँ आपको, अभी अभी खिला हुआ है तो मोगरा और जूही दोनों ही, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशबू आता है। तो मैं थोड़ा बैठने के लिए आ गई। इस तरफ ये मोगरा खिला हुआ है तो यहाँ पे ज़बरदस्त खुशबू आ रहा है। अभी अंधेरा हो गया तो उतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है आपको। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स चलती हूँ, गुड नाइट, बाय बाय। अभी रात के 9 बजे हैं। अभी एक खुशखबरी आया, कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव, तो चलो अच्छा है। ये मैं आपके साथ शेयर की क्योंकि सुबह आपको बताया था कि सुबह उन्होंने गए थे टेस्ट करवाने, तो ये भी आपको बता दिया खुशखबरी।